घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। क्या सालार फिल्म को हॉलीवुड फिल्म से कंपेयर की जाएगी? कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगी जो आज से पहले नहीं हुई? पृथ्वीराज सुकुमारन की वजह से फिल्म मेकर्स को क्या फायदा होगा? सालार एक अपकमिंग इंडियन फिल्म एक्शन है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स के लिस्ट में आ गए हैं। प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट की है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है। सालार मूवी होमबेल फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है जिसके प्रोड्यूसर है विजय किरागंदूर। KGF की फ्रेंचाइजी भी होमबेल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सालार मूवी के मेन स्टार है प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने SS राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के और इनकी एक्टिंग उस फिल्म से ही लोगों को बहुत पसंद आई थी। प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म की है जो अमेजन प्राइम पर है जिसका नाम है राधेश्याम और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत मूवीज की है जैसे मिर्ची, शाहो और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है जैसे लग जैसे, संजय दत्त भी थे और रमैया वस्तावैया और श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर है। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्होंने देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में जो पुलिस जो 2010 में रिलीज हुई थी। चलिए और भी चीजें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। हमने पहले भी बात करी थी DCT टेक्नोलॉजी की जो इस फिल्म में यूज हो रही है, तो चलिए हम आपको और अच्छे से बताते हैं कि DCT टेक्नोलॉजी होती क्या है। DCT का फुल फॉर्म है डार्क सेंटर थीम और ये टेक्नोलॉजी इस फिल्म से पहले पूरी इंडिया सिनेमा की हिस्ट्री में कभी भी यूज नहीं की गई है। डार्क सेंट्रिक थीम ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्म्स में यूज होती है और क्राइम या हॉरर होता है क्योंकि डार्क सेंट्रिक थीम से जो बैकग्राउंड की चीजें होती है वो काफी डार्क शेड में दिखाई देती है। तो जैसा कोई फिल्म में ज्यादातर डार्क शेड्स है या रात में ज्यादा शूटिंग हो रही है तो फायदा यह रहता है कि एक्टर डार्क शेड की वजह से क्लियरली दिखते हैं जिससे मूवी और अच्छे से दिखती है। डार्क सेंट्रिक थीम इससे पहले हॉलीवुड की काफी फेमस एंड सक्सेसफुल फिल्में यूज हुई है जैसे मैट्रिक्स, टेनेंट और बैटमैन ट्रायलॉजी। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन जिसकी कोई ना कोई फिल्म सभी ने देखी होगी तो इस टेक्नोलॉजी का यूज काफी करते हैं और अब सालार में इस टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलेगा जो इसके वॉचर्स को काफी न्यू एक्सपीरियंस देगा और हो सकता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आए ये टेक्नोलॉजी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में विलेन के रोल में हमें पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे और उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए जैसे लुसिफर, अय्यपन्नुम, कोशियम, ड्राइविंग लाइसेंस और कुरुथी। प्रभास ने राधेश्याम के प्रमोशंस के दौरान रिवील किया था कि पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म का हिस्सा होंगे। फैंस पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास को एक साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये फिल्म इन दोनों एक्टर्स की फर्स्ट फिल्म होगी। इसके फैंस इंडिया में सभी जगह है बट पृथ्वीराज सुकुमारन का इस फिल्म का हिस्सा बन जाने से सालार फिल्म और भी ज्यादा हिट हो जाएगी क्योंकि मलयाली मूवी के फैंस पृथ्वीराज सुकुमारन को इस फिल्म में देखने जरूर आएंगे जिससे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी फर्क पड़ेगा जो कि फिल्म मेकर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक और चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए